हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रोमेथियस मूवी को। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या पता इतनी बड़ी यूट्यूब की दुनिया में फिर से हमारी मुलाकात हो या ना हो, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है उस टाइम से जब धरती पर कोई भी जीव जंतु मौजूद नहीं था। तभी आसमान से एक स्पेसशिप एक ग्रह के पास में आता है और उस स्पेस के अंदर से हम एक एलियन को बाहर आता हुआ देख पाते हैं, जो हूबहू इंसानों जैसा ही लग रहा था, जिसको इस मूवी के अंदर इंजीनियर कहा गया है। जिसके बाद वो इंजीनियर एक ब्लैक लिक्विड को पी लेता है। अभी उसकी बॉडी पर उस ब्लैक लिक्विड का असर होने लग जाता है और देखते ही देखते उस इंजीनियर की बॉडी पानी के साथ में घुल मिल जाती है, जिसके साथ ही इंजीनियर की डीएनए से धरती पर जीव जंतु फिर से पनपने लग जाते हैं और इस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत होती है। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और कहानी जाती है 35,000 साल बाद में 2093 स्कॉटलैंड में। हमको एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें वाइफ का नाम होती है इजाबेल, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, और उसका हस्बैंड चार्ली। यह सभी रिसर्च करते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें कई सारे चित्र के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जहां पर अपने से बड़े इंसान तारों की तरह इशारा कर रहे होते हैं, जैसे कि वे अपना लोकेशन बता रहे हो। जिसके बाद में यह सभी लोग अपने इन्वेंशन को एक दूसरे से साझा करने लग जाते हैं। इन पेंटिंग चित्रों में बस यही लिखा हुआ था कि ऊपर से दूर से दुनिया के लोग आकर धरती को एक नया जीवन वरदान किए थे और जिसने भी हम इंसानों को बनाया है वह चाहता है कि हम उन तक पहुंचे और उनका धन्यवाद करें, साथ ही उनसे जीवन उत्पन्न की रहस्य को भी जान पाए। जब यह सभी पुराने चित्रों को जूम करके देखते हैं तो उनको यह पता चलता है कि जिस चित्र में एलियन यानी कि इंजीनियर इशारा कर रहे थे वह ग्रह कोई और नहीं बल्कि LV223 ग्रह है, जो एक अलग सौरमंडल का ग्रह पर था और वे धरती से काफी दूरी पर स्थित था। यह पूरी टीम काम कर रही होती है वालेंट कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए, जिसका ओनर होता है पीटर वालेंट। उन्हीं से इन सभी को LV223 प्लेनेट के बारे में पता चला। पीटर वालेंट अपने 70 लोगों की एक क्रू मेंबर टीम बनाता है और LV223 प्लेनेट पे भेजने के लिए तैयार करता है। अब आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब 17 लोगों की टीम को स्पेसशिप से LV223 प्लेनेट पे भेजने के लिए रवाना कर दिया जाता है। इस पूरे सफर के दौरान यह सभी लोग क्रायोजेनिक स्लीपर चेंबर में होते हैं। क्रायोजेनिक स्लीपर चेंबर दरअसल पूरे सफर के दौरान इंसान आराम से सो के गुजारता है और इनकी खासियत बात यह होती है कि चाहे सफर में कितने भी वर्ष क्यों ना लग जाए, लेकिन इसमें जो इंसान मौजूद होता है वे कभी भी बूढ़ा नहीं होता। और इस स्पेस को कंट्रोल कर रहा होता है एक एंड्रॉइड रोबोट, जी हाँ, जिसका नाम होता है डेविड, जो बिल्कुल इंसानों जैसे ही लगता है। अब वो वक्त आ चुका था जब ये सभी लोग LV223 प्लेनेट के पास में पहुंचने वाले थे और सभी की स्लीपिंग चेंबर अपने आप ही खुलने लग जाती है और अब सभी क्रू मेंबर अपने नींद से जागने लग जाते हैं। यहाँ पर ये सभी जैसे प्लेनेट को देखते हैं ये हका बका रह जाते हैं, क्योंकि यह प्लेनेट पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई थी। दूर दूर तक कोई भी जीव जंतु का नामो निशान ही नहीं था। तभी इनको चट्टानों के बीच एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो बिल्कुल बिल्डिंग जैसी लग रही थी, जिसको देखते ये सभी लोग उसकी तरफ जाने का सोचते हैं। जिसके बाद में यह लोग धीरे धीरे करके अपने स्पेसशिप को उस प्लेनेट की धरती पर लैंड करवाते हैं, जिसके बाद में वे सभी अपने अपने बनाए गए गैजेट में बैठकर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लग जाते हैं। जिसके बाद में ये सभी मिलकर एक एक करके उस बिल्डिंग के अंदर जाने लग जाते हैं। तभी डेविड को वहाँ पर एक ग्लू जैसा चिपचिपा लिक्विड मिलता है, जिसके बाद में डेविड जो एक एंड्रॉइड रोबोट होता है वह उस पूरे बिल्डिंग को स्कैन करके उसको होलोग्राम मैप में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी मदद से अब इनके पास में एक मैप भी होती है और उस मैप को फॉलो करते हुए ये सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। जिसके बाद में ये सभी लोग एक दरवाजे के पास में पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई थी। तभी डेविड जो एक रोबोट होता है वो उस दरवाजे को खोल देता है, क्योंकि उसको पुरानी भाषाओं के बारे में नॉलेज था। और जैसे डेविड दरवाजे को खोलता है तभी वहाँ पर होलोग्राफी इमेज के अंदर कुछ इंजीनियर वहाँ से भागते हुए दिखाए जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज से डर कर वहाँ से भाग रहे हैं। दोस्तों यह बिल्कुल उसी की तरह लगता है जैसे कि हम CCTV कैमरे में देखते हैं, उनमें से एक आदमी भागता हुआ नीचे गिर जाता है और तभी दरवाजे के नीचे आकर वह मारा जाता है और उसका सर धड़ अलग अलग हो जाता है। जिसके बाद में डेविड जब उसी दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे सचमुच में उस इंजीनियर की मुंडी पड़ी हुई थी। जिसके बाद में डॉक्टर इजाबेल के साथ ही उस मुंडी को स्कैन करने लग जाते हैं, जहाँ पर इनको पता चलता है कि यह मुंडी 2000 साल पुरानी है। वहीं डेविड को छानबीन करने से उसको एक दरवाजा दिखाई देता है और डेविड उस दरवाजे को खोल देता है। अब जिसके बाद में यह सभी लोग जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर करते हैं वे बिल्कुल हैरान रह जाते हैं,
क्योंकि दरवाजा जैसे ही खुला था वहाँ पे मौजूद सभी मूर्तियाँ अपने आप ही हिलने लग जाती है, मानो कि उनमें जान आ गई हो। और अंदर का वातावरण चेंज हो जाने की वजह से उन मूर्तियों के अंदर से लिक्विड निकलने लग जाती है। अब जिसके बाद में उस रूम की छानबीन करने से वहाँ पर इनको कई सारा सिलेंडर मिलते हैं जिनके अंदर से ब्लैक लिक्विड निकल रहा होता है। यह देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं और यहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन डॉक्टर इजाबेल को यहाँ पर और रिसर्च करनी थी, लेकिन तभी इनको अलर्ट मिलने लग जाता है कि ग्रह पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम लोग जितना जल्दी हो उसके स्पेसशिप के अंदर आ जाओ। यह सुनने के बाद में डॉक्टर इजाबेल उस इंजीनियर की मुंडी को अपने साथ में ले लेती है। वहीं पर हम डेविड को देख पाते हैं जो चोरी छिपे उस सिलेंडर को अपने साथ ले लेता है और यह सभी हड़बड़ी से वहां से निकलने लग जाते हैं। दोस्तों यह सीन इस मूवी का द बेस्ट सीन होता है। अब यह लोग जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाते हुए अपने स्पेसशिप के अंदर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर इनको पता चलता है कि इनके दो लोग पीछे ही छूट गए हैं। तभी स्पेसशिप का कमांडर बताता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी बहुत जोर से तूफान आ रहा है और जैसे ही मौसम शांत होगा हम तुमको लेने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद में उस खोपड़ी के ऊपर रिसर्च चालू कर दी जाती है जो डॉक्टर इजाबेल ने उस पिरामिड के अंदर से लेके आई थी। उस खोपड़ी के ऊपर एक हेलमेट जैसा कुछ कवच बना हुआ था और जैसे ही उस कवच को हटाया जाता है ये सभी सोच रह जाते हैं क्योंकि उसका फेस बिल्कुल इंसानों जैसा ही लग रहा था। जिसके बाद में उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और तभी वह हिलने डुलने लग जाता है और वह तड़पने लग जाता है। यह सभी देखते हुए वह सभी जल्दी से जल्दी उसको एक चेंबर में बंद कर देते हैं और उसी पर उस इंजीनियर की मुंडी ब्लास्ट हो जाती है। उन सबकी रिसर्च से उनको यह पता चल गया था कि उन इंजीनियर के डीएनए और इंसानों का डीएनए एक ही है, हो सकता है कि यह इंजीनियर हमारे पूर्वज रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देख पाते हैं जो एक एंड्रॉइड रोबोट होता है और उसने उस सिलेंडर को खोल दिया था जो उस बिल्डिंग से लेके आई थी। उसके अंदर से कुछ ट्यूब निकलते हैं और उन ट्यूब के अंदर कुछ लिक्विड मौजूद था, उनमें से वे एक बूंद को निकाल लेता है और सीधा पहुंच जाता है चार्ली के पास में जो डॉक्टर इजाबेल का हस्बैंड होता है, क्योंकि डेविड चार्ली से नफरत किया करता था। जिसके बाद में डेविड चार्ली से पूछने लग जाता है कि अगर तुमको यह मौका मिले कि तुमको जिसने बनाया उससे बात करने का और पूछने का, आखिर उसको बनाने का मकसद क्या है। जिस पर चार्ली हंसता हुआ कह देता है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे मिलना चाहूंगा। तभी डेविड उसको बिना पता चले उसके ड्रिंक के अंदर वह लिक्विड मिला देता है और चार्ली उसको पी जाता है। डेविड यह जानना चाहता था कि आखिर इस लिक्विड को पीने के बाद में इंसानों के ऊपर क्या असर होता है, क्या वे अमर हो जाएंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है उन दोनों साइंटिस्ट पर जो पीछे छूट गए थे और वे अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे, जहाँ पर यह लोग अपना टाइम पास करने के लिए उस पूरी बिल्डिंग के अंदर घूमने लग जाते हैं। घूमते घूमते अचानक बहुत सारे उनके सामने डेड बॉडी आ जाती है, जिसको देखते यह लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर इनका यह हाल हुआ है तो हमारे साथ में क्या हाल होगा, हमको जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना होगा। तभी इनके सामने एक सांप जैसा कुछ आ जाता है। दरअसल ब्लैक लिक्विड के लीक हो जाने की वजह से वह मिट्टी में मिल गई थी और मिट्टी में मौजूद कृमि से मिलकर वह इतना बड़ा हो गया है। अब यह दोनों उस कीड़े को चेक करने के लिए जैसे उनके पास में जाते हैं तभी वह कीड़ा एक साइंटिस्ट पर हमला कर देता है और उस साइंटिस्ट के हेलमेट में घुसकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लग जाता है। यह देखकर दूसरा साथी घबरा जाता है और अपने साथी को बचाने के लिए उस कीड़े को बीच में से काट देता है और जैसे ही वह कीड़े को काटता है उसका खून उसके ऊपर आ जाता है और जैसे खून उसके ऊपर गिरता है उसका हेलमेट पिघलने लग जाता है। इस कीड़े का खून नहीं बल्कि एक तेजाब है जो किसी के ऊपर भी गिरने से पिघला देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है स्पेसशिप के अंदर, जहाँ पर हम डॉक्टर इजाबेल को देख पाते हैं और उसके हस्बैंड को देख पाते हैं चार्ली को, जो बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर चार्ली इजाबेल से पूछता है कि आखिरकार इंसान धरती पर पैदा कैसे हुए होंगे। तभी डॉक्टर इजाबेल उसको समझाने के लिए प्रैक्टिकल करने लग जाती है और वे इंटीमेट हो जाते हैं। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर चार्ली खुद को शीशे में जैसे ही देखता है वह बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि उसके बॉडी में काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। जिसके बाद में ये सभी लोग उस पिरामिड की तरफ जाने लग जाते हैं अपने दो साथियों को बचाने के लिए, जहाँ पर ये सभी लोग जैसे ही पिरामिड में जाते हैं अपने साथी को देखते हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब तक उनमें से उनका एक साथी मारा जा चुका था और दूसरे की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिसके बाद में ये सभी लोग अपने दूसरे साथी को लेकर अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लग जाते हैं। वहीं पर हम डेविड को देख पाते हैं जो चोरी छिपे उस पिरामिड के अंदर घुस जाता है और छानबीन करने लग जाता है। वहाँ पर वह पिरामिड के और अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि इस वक्त वह एक एलियन स्पेसशिप के अंदर मौजूद था कंट्रोल रूम के अंदर। तभी गलती से डेविड से कुछ बटन दब जाते हैं, तभी वहाँ पर होलोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, जिसको देखते ही डेविड सब कुछ समझ जाता है। उसको पता चलता है कि स्पेसशिप के अंदर जो ब्लैक लिक्विड था और वह लिक्विड उसने जो चार्ली को दिया था वह एक बायो
दर्पण था और इन एलियन इंजीनियर का मकसद था कि यह धरती को तबाह कर दे। तभी डेविड को वहाँ पर एक स्लीपर चैम्बर दिखाई देता है और उसके अंदर एक इंजीनियर मिलता है जो 200 सालों से सो रहा होता है। अब वहीं पर हम दूसरी तरफ चार्ली को देख पाते हैं। वह अब तक अजीबोगरीब बिहेव करने लग गया था, उसकी पूरी बॉडी दर्द करने लग गई थी, उसका फेस काला हो गया था। यह सभी देख कर वे लोग डर जाते हैं और चार्ली को बाहर छोड़ देते हैं। तभी इजाबेल कहती है उसके हस्बैंड को अंदर लेके आओ। तभी चार्ली कह देता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, इसलिए मुझको जलाकर खाक कर दो। जिसके बाद में कमांडर एक फायर गन लेके आता है और चार्ली को जला देता है। इस चीज से इजाबेल काफी टूट जाती है और यह लोग अपने साथ किसी इन्फेक्टेड को भी नहीं ले जा सकते थे, जिससे कि पूरी धरती खतरे में पड़ सकती थी। इस चीज से सभी काफी डर जाते हैं, जिसके बाद में सभी को चेक करके एक एक कर अंदर लिया जाता है ताकि वे इन्फेक्टेड ना हो। और जब इजाबेल की बारी आती है तभी वहाँ पर पता चलता है कि इजाबेल 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये बात जैसे ही इजाबेल को पता चलती है वे काफी शोक रह जाती है, क्योंकि उसने कल ही रात को इंटीमेट की थी। तभी डेविड कहता है कि यह कोई इंसान का बच्चा नहीं है बल्कि ये एलियन का बच्चा है, जभी तो ये इतना जल्दी बड़ा हो रहा है। यह सुनते ही डॉक्टर इजाबेल फौरन डेविड से कहती है कि उस एलियन के बच्चे को बाहर निकाल दो, मगर डेविड ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मकसद था कि वे इस एलियन के बच्चे को बाहर निकाल कर उसको धरती पर ले जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करे और कुछ जानकारी जुटा पाए। लेकिन डॉक्टर इजाबेल को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी और वे अपने दर्द से राहत पाने के लिए वे डेविड को बेहोश कर देती है और पहुंच जाती है उस लैब के अंदर, जहां पर एक ऐसी मशीन रखी हुई थी जो पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द हो उसको स्कैन करके हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन कर देती थी। तभी डॉक्टर इजाबेल उस मशीन के अंदर इमरजेंसी डिलीवरी एक्सेस कर देती है और अपने पेट के अंदर से उस बच्चे को बाहर निकाल देती है जो एक एलियन था, और वह नुकसान ना पहुंचा पाए इसलिए वह उसको बेहोश कर देती है। इसी बीच उनमें से एक साइंटिस्ट इन्फेक्ट हो चुका था, जिसके चलते वे अपने साथियों पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वे अपने बचाव के चक्कर में उस साइंटिस्ट को जला देते हैं और खत्म कर देते हैं। तभी हमको पता चलता है कि दरअसल पीटर वेल, जो अपने मिशन में 17 लोगों को एलवी 223 ग्रह पर भेजा था, वो भी इनके साथ में आया हुआ था। और डेविड जो एक रोबोट था वे इसी के लिए काम किया करता था, और डेविड ने जो ब्लैक लिक्विड चार्ली के ड्रिंक में दिया था वे पीटर के कहने पर ही दिया था, क्योंकि वे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि वे ये जानना चाहता था कि आखिरकार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर इनको यह पता चल गया तो इनको यह भी पता चल जाएगा कि आखिर इंसान अमर कैसे हो सकता है, तभी तो यह धरती से इतना दूर आए हुए थे। इसी बीच डेविड पीटर को कहता है कि वह कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर हम गए थे, वह एक एलियन का स्पेसशिप है और उसके अंदर एक इंजीनियर मौजूद है जो क्रायोजेनिक स्लीपर चैम्बर के अंदर सो रहा होता है, और वह भी हमारी मदद कर सकता है क्योंकि मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं उसके पास जाऊंगा और बातचीत करूंगा क्योंकि मुझको थोड़ी बहुत एलियन की भाषा आती है। साथ ही साथ डेविड इनको अलर्ट भी करता है कि अगर वह जाग गया तो उनका मेन मकसद था कि वे हमारी धरती को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इस बात को सुनते ही पीटर कुछ भी रिएक्शन नहीं करता, उसको तो अपनी बस एज ही बढ़ानी थी। यह सुनते ही इजाबेल साफ साफ मना करने लग जाती है और उसको जगाने से रोकने लग जाती है, लेकिन पीटर के आगे किसकी चल सकती है, वे इनका हेड है। जिसके बाद में पीटर अपनी पूरी टीम को लेकर उस एलियन इंजीनियर के स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है उस एलियन के पास में। यहाँ पर पहुंचने के बाद में डेविड उस एलियन की क्रायोजेनिक स्लीपर चेंबर को खोल देता है, क्योंकि उसने होलोग्राम में देखकर सब कुछ सीख लिया था। अब उठने के बाद वे इंजीनियर अपने सामने इंसानों को देख पाता है और वे काफी खुश हो जाता है और वे कुछ बोलता है। उस एलियन की लैंग्वेज को समझकर डेविड बताता है कि यह इंजीनियर हमको यहाँ पे देखकर काफी खुश हो रहे हैं, हमारी क्रिएशन कितना डेवलप हो चुकी है। वो और भी कुछ बता पाता तभी लालची पीटर उनसे पूछ लेता है कि हम अमर कैसे हुए। तभी इंजीनियर को काफी गुस्सा आ जाता है और डेविड का सिर तोड़ देता है, जिसके बाद में वह निकल पड़ता है अर्थ को तबाह करने के लिए, क्योंकि उनका लास्ट मिशन यही था। यह देखकर इजाबेल भागने लग जाती है अपने स्पेसशिप के पास में और अपने पायलट को बोलती है कि इस एलियन स्पेसशिप को रोकना पड़ेगा वरना ये हमारी पूरी धरती को तबाह कर देंगे। लेकिन अब तक उनके पास में कोई ऐसा वैसा वेपन भी नहीं था जिससे कि यह उस एलियन स्पेसशिप को तबाह कर दे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब वे अपने स्पेसशिप को उस स्पेसशिप से टकरा देंगे। हालांकि वक्त रहते डॉक्टर इजाबेल स्पेसशिप से नीचे कूद जाती है और इंजीनियर के स्पेसशिप से दूसरा स्पेसशिप टकरा जाता है। दोस्तों यह सीन इस मूवी का द बेस्ट सीन होता है और उस इंजीनियर का स्पेसशिप तबाह हो जाता है। अब इस पूरे ग्रह पर सिर्फ डॉक्टर इजाबेल ही बची थी। और दोस्तों तभी हमको पता चलता है कि वह इंजीनियर क्रेश के अंदर
मारा नहीं गया, वह बच गया है और अब वह इजाबेल को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब यह देखकर इजाबेल को एक आइडिया आता है और वह अपने एलियन बच्चे की तरफ भागने लग जाती है जो इस वक्त एक चैम्बर में मौजूद था। और इजाबेल पहुंच जाती है उस चैम्बर के बाहर में, तभी हम देख पाते हैं कि वह एलियन काफी बड़ा हो चुका है जो सीधा आकर इंजीनियर पर हमला कर देता है और डॉक्टर इजाबेल बच जाती है। तभी डॉक्टर इजाबेल के पास में डेविड का कॉल आता है जो बताता है कि मैं कहां पर हूं, तुम मुझको जैसे से बचा लो के बदले में मैं तुमको धरती पर लेके जा सकता हूं, लेकिन उससे पहले मुझको बचाना होगा। ये सब जो भी हुआ वे सब डेविड के कारण हुआ था, लेकिन डॉक्टर इजाबेल मान जाती है। और अब तक इजाबेल ने धरती पर न जाकर इंजीनियर के ग्रह पर जाना चाहती थी और ये पता लगाना चाहती थी कि आखिरकार वे इंसानों को बनाया, चलो ठीक है, आखिरकार वे उसको मारना क्यों चाहते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम दोनों को देख पाते हैं जो एक स्पेस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर इजाबेल के बच्चे यानी कि वे मॉन्स्टर एलियन, वे उस एलियन को मार देने की वजह से उसकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है और वे अब एक नए बच्चे को जन्म देती है। और इसी के साथ एक प्यारी सी मूवी समाप्त होती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो।